हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको LOR बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ LOR। LOR ज्यादातर स्टूडेंट जब कॉलेज में अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, तो ये एक लेटर होता है जिसको रेकमेंडेशन लेटर बोलते हैं। ये रेकमेंडेशन लेटर जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके ट्यूटर या यूनिवर्सिटी में से, या उनके कोई गाइड या प्रीवियस कंपनी में जिनके अंडर में उन्होंने काम किया होता है, वो उनको लिख के देते हैं। तो रेकमेंडेशन लेटर जो भी मेंटर, गाइड या ट्यूटर ही देते हैं उसके लिए होता है, जब एप्लीकेशन देते हैं तब। सो आज हम डिस्कस करने वाले ये जो LOR लिखना कैसे है और उसमें किस तरह से हमें पॉइंट्स को एलोबरेट करके पूरा लिखना है। तो देर आर 5 पॉइंट्स, मैं आप वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला है ग्रीटिंग्स आता है, दूसरा आता है उसमें इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, फिर आता है बॉडी, कंक्लूजन एंड सिग्नेचर। तो ये जो लेटर होता है आपका, आपको मोस्टली 500 वर्ड के अंदर उसको कंप्लीट करके पूरा लिखना होता है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखो, उसके बाद आपका आता है बॉडी। बॉडी पार्ट में मैक्सिमम आपको 2 पैराग्राफ लिखना होता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन एंड उसके बाद सिग्नेचर रहती है। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको 500 वर्ड में सबमिट करना रहता है बना के पूरा। उसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग्स में। तो ज्यादातर हम इंडियंस ग्रीटिंग्स लिखते हैं ना, तो हेलो और हाय लिखते हैं। तो हम जब LOR लिखते हैं तब हमें डियर ज्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो लोग लेटर्स जब भी लिखते हैं तो डियर वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू हेलो एंड हाय। नाउ सेकेंड, उसके अंदर हम एक और चीज लिख सकते हैं कि डियर एडमिशन कमिटी, उस तरह से हमें लेटर की स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा हम और भी ऐसे लिख सकते हैं कि डियर एडमिशन ऑफिसर्स, एंड थर्ड वन हम लिख सकते हैं टू हूम इट मे कंसर्न। ऐसे करके हमें सबसे पहले LOR का स्टार्टिंग करना रहता है, ताकि क्या होता है कि हम हेलो हाउ आर यू लाइक दिस लिखते हैं, वो हमें काम का नहीं रखता और वो प्रोफेशनल जैसा दिखता भी नहीं है। उसके बाद आपको जो चीज़ें यूज नहीं करनी है वो सबसे पहले है कि आप लिखो ना तो सिम्बॉल्स नहीं लिख सकते, या फिर शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह का आपके LOR में शॉर्ट फॉर्म्स या शॉर्ट वर्ड्स यूज नहीं करना, ताकि जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पता चले कि आप किस तरह से प्रॉपर लेटर को लिखते हो। फिर उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो, जो आपका जो रिकमेंडेशन लिखता है वो ही आपको लिख के देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप उनके अंडर में रहते थे तो किस तरह से आपका बिहेवियर था, किस तरह से आपकी एकेडमिक स्किल थी, फिर आपके पास कौन सी सॉफ्ट स्किल थी, एक्स्ट्रा आपके अंदर कुछ यूनिक स्किल होती है तो वो आपको ऐड करके देंगे। और उसके बाद आपका आता है जो दो पार्ट में आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें हमने ऐड कर दिया, दो पार्ट में, दो पैराग्राफ में। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपकी समराइज की होती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी होती है, आपकी जो एबिलिटीज होती है, आपने जो भी आपके मेंटर गाइड के अंदर में जो जो स्टडी किया है या लर्न किया है या जॉब की है, तो उन वो आपको पूरा बाइफर्केट करके देंगे कि आपके पास ये स्किल स्ट्रांगली है जो ये LOR को हाईलाइट करती है। और लास्ट में सिग्नेचर आती है, जो सिग्नेचर का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको सिग्नेचर बनानी है। अब आपको लगेगा कि LOR है तो हम कोई भी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने ट्यूटर या मैनेजर को देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपके जो ट्यूटर्स होते हैं या फिर आपके जो भी मेंटर गाइड जिसके पास से आपको LOR लिखाना है, वो इतने बिजी होते हैं और उनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स या फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एप्लीकेशंस आती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि भाई हाँ आपको लिख के दे। तो ये आपको ड्राफ्ट बना के उनको भेजना पड़ता है। इसके लिए मैंने पूरा ये आपको स्ट्रक्चर बताया कि हमें खुद ड्राफ्ट बनाना होता है और एट द एंड उनकी डिटेल्स और उनकी जो सिग्नेचर्स होती है वो ही आपको वो ऐड करके पूरा चेक करके देंगे। तो LOR का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके ट्यूटर्स आपको बना के देंगे। सो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ही खुद ड्राफ्ट बना के उनको देना पड़ता है। तो ओवरऑल दी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उनको 4 या 5 पार्ट में बताना है, 4 पार्ट मेन है और 5वां जो मैंने आपको बताया सिग्नेचर। तो आपको पूरा फॉर्मेट वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक में ऐड कर दूंगी, तो आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक सैंपल मैं आपको ऐड करके देती हूँ, तो समझ में आ जाएगा कि LOR क्यों डालते हैं और किसके लिए होता है। वन मोर पॉइंट जो मैंने आपको ऐड करना भूल गई कि LOR होता है ना, जब आप कॉलेज में एडमिशन्स लेते हो ना,
तभी ये काम में आता है, जैसे आपके बैंड हो गए, जो ड्यूओलिंगो एग्जाम आपने दी या फिर आईएलएस के स्कोर हो गए, वो होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको डालना पड़ता है। और उसके बाद आपको एसओपी डालना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको एसओपी पता नहीं है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारा एसओपी वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। सो आपको ओवरऑल आइडिया आ गया। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।